खबर है छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा जिले की पांडुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। नकुल नाथ ने पांडुना से मौजूदा विधायक नीलेश उइके को ही कांग्रेस का प्रत्याशी बता दिया। खास बात ये कि कांग्रेस ने अभी तक पांडुना से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही नकुल नाथ ने पांडुना से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। 2018 के चुनाव में छिंदवाड़ा की सातों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पांडुना में कांग्रेस के नीलेश उइके ने बीजेपी के टीका राम को 21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा की सीटों का ऐलान दिल्ली से पहले छिंदवाड़ा से होगा, और नकुल नाथ ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी। आपने कल टीवी पे देखा होगा, कमलनाथ जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 80 सीटों की घोषणा वे करेंगे और छिंदवाड़ा के 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे छोटे भाई नीलेश दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। और छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाश्वत, क्या इसे कहा जाए, लिस्ट आने से पहले ही नकुल नाथ ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया? देखिए ज्योति, जो बीते दिनों कांग्रेस की जो पहली सूची आई थी जिसमें 144 उम्मीदवारों के नाम थे, उसमें कमलनाथ की जो उम्मीदवारी थी वो छिंदवाड़ा से घोषित की गई थी, लेकिन 6 सीटों को होल्ड पर रखा गया था। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो नकुल नाथ जी जो रैली कर रहे थे ब्लॉक कांग्रेस समितियों की, उसमें उन्होंने परासिया जो उम्मीदवार जो सिटिंग MLA भी है सोहन वाल्मीकि, उन्होंने उनका नाम का ऐलान किया। फिर उन्होंने अमरवाड़ा से कमलेश शाह का ऐलान किया। फिर आज उन्होंने पांडुना से जो सिटिंग MLA हैं नीलेश उइके, उनके नाम का भी ऐलान कर दिया। जब बीते दिनों जब नकुल नाथ का ये बयान वायरल हुआ, तो फिर कल कमलनाथ ने भोपाल से बयान दिया कि छिंदवाड़ा की जो बाकी होल्ड रखी 6 सीटें हैं उस पर नकुल नाथ टिकटों की घोषणा करेंगे। तो इसके फलस्वरूप आज नकुल नाथ ने थोड़ी सफाई देते हुए ये कह दिया कि जो 6 सीटों की जो घोषणा है वो मैं करूंगा। तो इसी के तहत उन्होंने आज पांडुना से नीलेश उइके का नाम फाइनल कर दिया। तो शाश्वत, सवाल ऐसे में ये उठता है साथी कि टिकट फाइनल कहाँ से होते हैं, कौन अंतिम फैसला लेता है? क्या पार्टी से बड़े नेता ये हो गए हैं, जिस तरीके से नकुल नाथ ने कहा कि 6 सीटों का ऐलान मैं करूंगा, कौन वहां से प्रत्याशी होगा, लिस्ट अभी तक आई नहीं है? देखिए ज्योति, बहुत हैरान करने वाली बात यह है, क्योंकि एक आधिकारिक प्रक्रिया होती है टिकट घोषित करने की, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके परिवार का काफी दबदबा रहा है, तो इसी के चलते जो और नकुल नाथ जो कि छिंदवाड़ा के सांसद हैं और जो कि कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं और इस समय PCC अध्यक्ष हैं, तो छिंदवाड़ा में उनके बिना शायद ही कुछ चीज होती हो, तो इसी के तहत शायद उन्होंने ये टिकटों का ऐलान कर दिया। शाश्वत, ठीक है, पार्टी में दबदबा है, पुराने सीनियर लीडर हैं कमलनाथ, उनके बेटे हैं नकुल नाथ, लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर खड़ा होता है कि आधिकारिक एक इसकी एक प्रक्रिया होती है, जब लिस्ट जारी की जाती है, पूरी मीटिंग होती है तमाम बड़े लीडर्स की, दिल्ली से तय किया जाता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मामला आगे बढ़ता है, उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाता है, सूची जारी की जाती है, जिस सूची का इंतजार इस बार काफी लंबा रहा, काफी लंबा इंतजार कांग्रेस के लोगों को करना पड़ा, एक लिस्ट जारी हुई है, दूसरी एक तरह से अपने आप बारी बारी से की जा रही है, जो नाम जिस तरीके से सामने आ रहे हैं कुछ कुछ सीटों को लेकर। देखिए ज्योति, यही मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन पार्टियों के बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमारी पार्टी अनुशासन से चलती है, हमारी पार्टी प्रक्रिया से चलती है, लेकिन ऐसा असल में जमीन पे होता कुछ दिखता नहीं है। जिस प्रकार नकुल नाथ ने पहले ही टिकटों का ऐलान कर दिया, हालांकि लिस्ट कभी आई नहीं थी, बट लेकिन उन्होंने अभी पहले से ही टिकटों का जो ऐलान कर दिया, इस पर काफी सवाल भी उठे, काफी सियासी उथल पुथल भी मच गई। जिस तरह आप देख रहे हैं कि भोपाल में भी काफी विरोध हो रहा है टिकटों के ऐलान के बाद, काफी लोगों ने बगावत की सुर भी अपनाए, लेकिन छिंदवाड़ा से बालकर नकुल नाथ ने पहली टिकटों का ऐलान कर दिया। इसके लिए कोई प्रक्रिया तो खैर होनी चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा में क्योंकि नकुल नाथ जी जो हैं वो कमलनाथ जी के पुत्र हैं, तो इसी के तहत शायद उन्होंने टिकटों का ऐलान कर दिया।
हमारे साथ कांग्रेस नेता के मिश्रा जुड़ गए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। यहाँ पर सवाल मिश्रा जी ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जब पार्टी में इस तरीके की बातें सामने आएंगी, विरोध के स्वर पहले से ही है, पहली जो लिस्ट जारी हुई उसके बाद नाराजगी बहुत सारे कैंडिडेट्स में इस बात को लेकर थी कि हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, हमें टिकट नहीं मिला, लेकिन अब इस तरीके से अगर नामों का ऐलान किया जाएगा बिना सूची जारी किए तो पार्टी में तो विरोध के स्वर और ज्यादा खड़े होंगे, पार्टी में असंतुष्ट नेताओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। नहीं, देखिएगा, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है और उस पार्टी में लोकतंत्र ईमानदारी से काबिज है, तानाशाही नहीं है। और 18 सालों से जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है उसी के संघर्ष पे हम लोगों ने अपनी पार्टी को इस मध्य प्रदेश में तमाम अत्याचारों अनाचारों को सहते हुए जीवित रखा है। हर व्यक्ति की अभिलाषा है पार्टी से चुनाव लड़ने की, क्योंकि 5-5 तरीके के सर्वे हुए हैं और हमें 18 साल से लड़ने के बाद किसी भी तरह अपनी सरकार बनानी है। तो माननीय कमलनाथ जी जो हमारे लीडर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 5000 आवेदन आए हैं, सभी को टिकट नहीं मिलना है। उस लिहाज से ईमानदारी के सर्वे के बाद मैं 100% कहना चाहूंगा कि सर्वे के आधार पर टिकट बटे हुए हैं। सरकार आएगी, हमारे सभी साथियों को हम लोग मोबिलाइज करेंगे और इतनी बड़ी पार्टी में 0% यदि थोड़ी वैचारिक मतभेद की रिपोर्ट आ रही है तो मैं उसे डेमोक्रेटिक वे में लेना चाहूंगा, वो कोई नाराजी के रूप तो में। मिश्रा जी, ये किस तरीके का सर्वे हुआ? आप कह रहे हैं कि 5-5 तरीके के सर्वे हुए हैं लेकिन लिस्ट आई नहीं है, लिस्ट आने से पहले ही आपकी पार्टी के नेता नामों का ऐलान कर रहे हैं। नकुलनाथ ने जिस तरीके से बिना लिस्ट के सामने आए एक सीट से नाम का ऐलान कर दिया, उसके बाद तमाम तरीके के सवाल भी पार्टी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर टिकटों को तय कौन करता है, आखिरी फैसला किसका होता है? आप देखिएगा, छिंदवाड़ा पूरे देश में वह जिला है जहां पर नगर निगम कांग्रेस की, मेयर कांग्रेस का, जनपद अध्यक्ष कांग्रेस का, जिला पंचायत कांग्रेस की, सातों सीट कांग्रेस की विधानसभा की और पार्लियामेंट भी कांग्रेस की। तो ऐसा जिला तो आपने भी इतने सालों में कहीं नहीं देखा होगा पूरे देश में। तो जब पूरा कांग्रेसमय इलाका है तो वहां के सांसद नकुलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके विचारों को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने आज कहा है उस पर मोर लगाएगी पार्टी, पहले से तय है। यानी कि जो आप तो बात दोनों तरीके की हो गई, के मिश्रा जी आप कह रहे हैं कि हमारे बड़े लीडर हैं पुराने लीडर हैं, जो वो कहा कह रहे हैं उनकी बात को पार्टी तवज्जो देगी, यानी कि फेवरेटिज्म यहाँ पर हो रहा है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, अब वो इंतजार में थे कि उनका नंबर आएगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो अपने अपने लोगों को टिकट का बंटवारा किया जा रहा है, अपनी मर्जी से हो रहा है। देखिए, वहां की छिंदवाड़ा की पूरी जनता और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ जी के हैं, उनके नेतृत्व में वहां इतनी आस्था है जहां देश में किसी के प्रति, नेता के प्रति आस्था नहीं है। तो जब वो तय करते हैं पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेकर, और सारे हमारे वहां के जो विधायक हैं वो विजयी होने वाले हैं, तो उस पर गुरेज किसको होगा भाई? किसी के नकारात्मक छवि वहां है ही नहीं और वो सब जीतने वाले हैं, तो जीतने वाले व्यक्ति का अधिकार कैसे छीना जाएगा, आप बताइएगा ना। हमारे साथ बीजेपी नेता नीतीश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। नीतीश जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, सवाल आपसे आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस में बिना सूची जारी किए हुए एक तरीके से नाम लिया गया नकुलनाथ की तरफ से कैंडिडेट का, उसको लेकर तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस में कोई बहुत कुछ ठीक तो चल नहीं रहा है और वहां पर हम सब जानते हैं कि एक परिवार का हमेशा कब्जा दल के ऊपर रहता है और इस समय कमलनाथ जी का है ही है, तो स्वाभाविक है कि टिकट तय करने का जो काम है वो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, बकुलनाथ जी या दिग्विजय प्रियव्रत जय वो। अच्छा, क्या है, आपने देखा होगा सूची में कि दिग्विजय सिंह, उनके बेटे, भतीजे, भांजे सबको टिकट मिल गया है भाई। तो ये तो एक बहुत पुराना एक परिवारवाद का आरोप है कांग्रेस के ऊपर जिससे वो दल बाहर नहीं आता। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ साहब, जब भी टिकट बचेंगे तो घर से ही बचना है। मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस पर? परिवारवाद का आरोप हमेशा से ही कांग्रेस पर पहले से ही लगता रहा है, अब इस तरीके की बातें और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते लगाते बूढ़ी हो जाएगी।
जो पार्टी अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है वो परिवारवाद की बात कर रही है, हमारे टिकट वितरण पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है, बिना दूल्हे की बारात जो खुद भारतीय जनता पार्टी है उसे हमारे मामले में हस्तक्षेप करने का या कोई कमेंट करने का अधिकार ही नहीं है, वे अपनी अपनी बात करें। मिश्रा जी, यानी कि जिस तरीके से पार्टी में जो अब चल रहा है, यानी कि अगर आगे इसी तरीके से कई नामों का ऐलान किया जाता है, कई नाम सामने आते हैं अलग अलग जगहों से, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके हिसाब से? इस तरीके से नामों का ऐलान किया जा सकता है किसी भी सीट से बिना लिस्ट जारी किए? बताइएगा कि कमलनाथ जी हमारे लीडर हैं, नकुल नाथ जी वहां के सांसद हैं, उनको डिनाई कैसे कर पाएगी पार्टी? डिनाई की बात नहीं, यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, तरीके से आधिकारिक तौर पर सूची जारी की जाती है, मीटिंग्स होती है उस सूची को जारी करने से पहले, उसके बाद लिस्ट को जारी किया जाता है जिसमें तमाम प्रत्याशियों के कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो बातचीत की गई थी, जो सर्वे किया गया था। देखिएगा, आप भी मीडिया में है, आप लोग भी कयासों के आधार पर टिकट कांग्रेस की या भाजपा की डिक्लेयर करते हैं या नहीं? आप लोग भी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनको टिकट मिलेगा, वो सिर्फ बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे तो आधिकारिक तौर पर ऐलान नकुलनाथ की तरफ से किया गया। मिश्रा जी, जी मीडिया में जब ऐसी बातें ऐसी खबरें चलाई जाती हैं वो कयास भर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नकुलनाथ ने ऐलान किया कि इस सीट से इसको कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा। नकुल नाथ जी भी कांग्रेस के एक अनुशासित सिपाही हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कहा होगा। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये पूरा मामला नकुलनाथ ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा की सीटों पर प्रत्याशी के दो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उसके बाद से ये मामला काफी बड़ा हो गया है, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लिस्ट आने से पहले ही किस इस तरीके से नामों का ऐलान करना कितना जायज़ है, जबकि खुद कांग्रेस के लीडर मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि उनका दबदबा है, नेता का सीनियर लीडर है, उनकी बात को पार्टी तवज्जो देगी, इसीलिए उन्होंने उन नामों का ऐलान किया। हमारे साथ हितेश जी भी बने हुए हैं, बीजेपी नेता। हितेश जी, यहाँ पर तो साफ साफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़े लीडर हैं, दबदबा है इनका, नेता का काफी रहा है, काम काफी जनता के बीच में जाकर किया है, इसलिए उनकी बात को पार्टी तवज्जो देगी। तो भाई कांग्रेस क्या है, फैमिली बिजनेस है, जब तक कमलनाथ जी अध्यक्ष तो नकुलनाथ ही तो बड़े नेता है, बाकी सब छोटे नेता है, तो ये तो होते ही है ना, इनके यही तो कह रहे हैं कि थोड़े टिकट कमलनाथ नकुलनाथ अपने घर मार देंगे शिकारपुर से, कुछ राघोगढ़ के किले से बढ़ जाएंगे, कुछ अरुण यादव जी के खेत पे बढ़ जाएंगे, ऐसा इनके यहाँ होते ही है, क्योंकि भाई इसीलिए नेताओं के पीछे नेता चलते हैं इनके, तो ये इनके लिए पॉलिटिक्स एक फैमिली बिजनेस जैसा है, और फैमिलीज में टिकट तय होते हैं, वोटों में बटी हुई कांग्रेस है, अपने अपने गुट के टिकट अपने अपने घर में तय होते हैं, और बाकी सब ऊपर तय हो जाते हैं गांधी जी के घर में, तो ये तो होता ही है। जी हितेश जी, आपका हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची तो पहली जारी की, उसमें तमाम नामों का जिनका ऐलान किया गया था, उसके बाद दूसरी लिस्ट का भी इंतजार सब कर ही रहे थे कि इसी बीच कमलनाथ के बेटे ने और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा की पांडुना विधानसभा सीट के लिए एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया, बिना लिस्ट आए ही उस सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, नीलेश उइके के नाम का उन्होंने ऐलान किया, जिसको लेकर आप तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं।